स्वागत है आप लोग का बी कॉम सेमेस्टर वन की एक और नई क्लास में। आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है एंड डिस्कस नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में पूछ लेगा 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपके रहे नहीं कि 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, न्यू कोर्स आ चुका है। इससे पहले जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पर, भैया हमने जो है आपका कवर कर दिया, मैनेजमेंट क्लियर कर दिया आपका, आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट कर दिए, टॉपिक क्लियर हमने करवा दिया, चैनल पे डले हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने बता दिया। ठीक है, देन आफ्टर हमने प्लानिंग आपका करा दिया, देन अब हमारा फोकस आया है ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीट करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही, अगर जब 12 में अगर पढ़ चुके हैं BST तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बस रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर को, इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भैया बोल रहे हैं क्या, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इस नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, आपको लर्न कराने की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको लर्न भी हो जाए। तो जो बंदे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। सबसे सिंपल डिफिनेशन लेके आया हूँ ताकि किसी को हार्ड नहीं लगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग ये दो डिफिनेशन है, लेकिन मेरा फोकस डिफिनेशन नंबर 2 पे रहेगा, क्योंकि ईजी है, आपको मैं समझा भी दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिश द अथॉरिटी रिलेशनशिप एमोंग देम। इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइन डिपार्टमेंटलाइज असाइनिंग एक्टिविटी सो दैट दे कैन मोस्ट इफेक्टिव। सर ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं? देखिए पहले हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग क्यों करते हैं ये कोई मुझे बताएगा? जो बच्चा प्लानिंग का वीडियो देख के आया, क्या ही इज कैपेबल टू स्पीक व्हाट इज प्लानिंग? इज ही कैपेबल टू स्पीक व्हाट इज प्लानिंग? सर प्लानिंग का मतलब, हम प्लानिंग, एक मैनेजर प्लान करता है कि भैया प्लान इसलिए करते हैं ताकि हाउ टू अचीव accomplishing goals and objective जो हमने बनाए हैं, समझ रहे हो, तो उसको अचीव कर सके। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया उसे अचीव करने के लिए कैसे अचीव करोगे। तो भैया हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, संगठन तैयार करेंगे कि वी विल अचीव इट। तो हम उसे अचीव करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, समझ गए? फिर इसके बाद अपन जानेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन, हमने संगठन बना लिया ना, अपने को स्टाफ चाहिए, बंदे चाहिए जिनसे हम काम करवाएं ताकि हम उस गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, समझ में आया? तो उसके लिए हम डायरेक्टिंग करेंगे, लीडरशिप करेंगे, समझ रहे? फिर कंट्रोलिंग जो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका मैनेजमेंट। काहे की चिंता कर रहे हो, हम बैठे हैं ना, बस आपका कॉन्सेप्ट मैं किस तरह से सबको मैं जोड़ के आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, तो भैया ऑर्गेनाइजिंग आपको समझ में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्रोसेस है जो डिफाइन करता है ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइज की, मतलब ग्रुप एक हमने क्रिएट करते हैं और एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, समझ रहे हो ना? इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर डिफाइन करता है, डिपार्टमेंटलाइज करता है, असाइन करता है एक्टिविटी सो दैट दे कैन मोस्ट इफेक्टिवली एक्सक्यूटेड। जो वर्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि हम जो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, उसे हम इफेक्टिवली क्या कर सके, एक्सक्यूट कर सके। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? किसी को भी दिक्कत है? सर दिक्कत है, बहुत दिक्कत, हमें तो याद नहीं हो रहा, हम अभी याद कराएंगे। मेरे साथ बोलो भाई, ऑर्गेनाइजिंग क्या, एक प्रोसेस है जो डिफाइन करता है और ग्रुप करता है एक्टिविटी को। अरे ग्रुप करते हैं एक्टिविटी किसकी? तो इंटरप्राइज की। और इस्टेब्लिश करते हैं क्या? अथॉरिटी रिलेशनशिप एमोंग देम, समझ में आया? यस सर। नाउ इन परफॉर्मिंग, जब अपन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो मैनेजर क्या करता है? डिपार्टमेंटलाइज करता है, मैनेजर असाइन करता है। असाइन किसको करेगा भाई? एक्टिविटी को, सो दैट जो मोस्ट इफेक्टिवली एक्सक्यूट कर सके, जो वर्क है उसको हम इफेक्टिवली एक्सक्यूट कर सके और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। आई होप समझ में आ गया होगा, ये मैं क्लियर समझता हूँ यार, समझ गया ना? ठीक है, और इसको किसने दिया है वो भी मैंने लिख दिया है, उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट ये डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है भाई, लिख के आओ, नंबर नहीं बल्कि डॉलर बरसेंगे भाई, डॉलर बरसेंगे। इतना ईजी क्वेश्चन हमने, अब मैं चाहता तो बहुत लंबा चौड़ा आपको डिफरेंट दे, नहीं मैंने पूरी खोजबीन करके, कोई ये नहीं मैंने किसी टॉपिक से उठा के एक चैप्टर पढ़ा दिया, नहीं मैंने आपके लिए पूरी एनालाइज किया और ये जो है कट है, ये हमने कट लिया है और उसे यहाँ पर आपको, हमने कहीं से हमने पढ़ा तो वो डिफिनेशन सूटेबल मुझे लगा तो मैं आपके लिए ले गया। ये बिजनेस स्टडी में भी आप पढ़े होंगे, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन, क्या बोलती पब्लिक? अब भैया ऑर्गेनाइजिंग आपने बोला कि भाई ऑर्गेनाइजिंग ये होता है, उसके फीचर भी तो बताओ। ठीक है, तो हम फीचर की बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। पहला है ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल, अपन पढ़ के हैं भाई, इंडिविजुअल का ग्रुप तैयार करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई ऑर्गेनाइजिंग आया जब, व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन
समझ लो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि दो चार पीपल ग्रुप बनाए हैं और कम्बिनेशन हुआ है, दो चार पीपल मिले हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, ठीक है। देयर इफॉर्ट फॉर सम कॉमन पर्पज़। देखो मैंने आपको अपना एक ही पर्पस है, बिजनेस का एक ही पर्पस है, टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए अपन प्लान बनाए और प्लान को एक्सक्यूट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग बनाए। वही बोल रहा है कि कॉमन पर्पस अपन आपका और हमारा पर्पस एक है कि भाई एग्जाम में नंबर लाना है। उसके लिए अपन सब बच्चे एक साथ बैठे, अपन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड वी आर एक्सक्यूटिंग इट। समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कम इन टू एग्जिस्टेंस मतलब आया व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन देयर इफॉर्ट फॉर कॉमन पर्पस एंड विलिंग कंट्रीब्यूट देयर कॉमन एंडेवर। मतलब कोशिश करना, समझ गए? एंडेवर मतलब होता है कोशिश करना, तो कोशिश करने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है जी सर। दूसरा पॉइंट बोलता है कॉमन पर्पस। तो भाई वही बात है कि अपना तो कॉमन पर्पस एक ही है ना, समझ रहे हो ना? अपना तो कॉमन पर्पस, मैंने बताया एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम इन टू एग्जिस्टेंस, वही चीज़ ऊपर का चिपकाया, ऑन बेसिस ऑफ गोल ऑफ एंटरप्राइज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम पर्सनल गोल ऑफ पीपल एम्प्लॉय। वही बात है भाई, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यही तो अपना कॉमन गोल है, समझ रहे? कॉमन पर्पस अपना वही बात है, उसी चीज़ को वो लोग लिख रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपको शुरू से ये बता रहा हूँ, चेन ऑफ कमांड। सर ये क्या होता है? द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश इन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी विच फ्लो फ्रॉम हायर लेवल। तो वही बात है भाई कि एक सुपीरियर होगा, एक लोअर लेवल होगा, तो ऊपर से जो कमांड आएंगे एंड यू हैव टू फॉलो, समझ गया ना? तो नीचे जो लेवल होता है ना, लोअर लेवल को क्या करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। इज नॉन ए चेन ऑफ कमांड, ठीक है। तो हायर लेवल जो आपका मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल को कमांड देता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है कि हाउ टू किस तरह से परफॉर्म करना है वर्क को, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया भाई, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, कॉमन पर्पस है एंड चेन ऑफ कमांड, ठीक है। नाउ ये वाला अपन देखेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। अपन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया लेकिन वर्क को डिवाइड कर दिया, ये नहीं कि हर बंदा एक ही काम कर रहा है ना। इट डिपेंड अपॉन स्किल एंड एबिलिटी, किसी के पास स्किल है, नॉलेज है, तो उसे हम कंप्यूटर बैठाएंगे, उसे हम कंप्यूटर बैठाएंगे ना, और जिसके पास नॉलेज नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, वर्क करवाएंगे, समझे? वर्कर का काम करेगा वो, तो इट डिपेंड अपॉन नॉलेज एंड स्किल। तो डिवाइड कर दिए वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिवीजन होता है किसका सर, वर्क का, इनटू वेरियस एक्टिविटी एंड फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो जो डिपेंड करता है वो किस पे, स्किल पे, एबिलिटी और एक्सपीरियंस। जिसके पास जैसा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसे उस हिसाब का वर्क दिया जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया जी। मैं छोटा छोटा ही पॉइंट बनाऊंगा, पाँच पॉइंट भी लिख कर जाओगे तो बहुत है, ज़्यादा टफ में नहीं जाऊँगा। तो ये बोलता है एक, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन, ये तो जान रहे हैं भाई, दो चार एक बंदा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट करेगा ना। हु असेंबल टू फुलफिल ए कॉमन पर, वही बात है, अपना पर्पस एक ही है भाई, टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ बिजनेस। ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। भाई वही तो मैंने अभी आपको, मैं क्या बोलूँ यार, मैं रटा दूंगा आपको यार, पहले ही बोल दिया कि अकेला बंदा थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, दो ज़्यादा तो बंदा चाहिए, दो बंदे से ज़्यादा ही चाहिए, वन और मोर, वन तो होगा नहीं, टू और मोर पीपल चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पीपल, समझ में आ गया ना? ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है। सर ये क्या होता है, मतलब भैया कि चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा हो या प्रॉफिट नहीं कमा रहा हो, एनजीओ ही क्यों ना हो भाई, ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, समझ गया ना? तो ऑर्गेनाइजेशन इज नीदर बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम नॉन बिजनेस में आप एनपीयू ले लो, क्या दिक्कत है। नॉट ओनली दिस ऑर्गेनाइजेशन नीदर वेयर टू और मोर देन टू पीपल वर्क जॉइंटली, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सलिटी, अपन ने देख लिया, आपने क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देख लिया। नाउ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर नेचर मतलब दो भागे बटे हुए हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है या फिर फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप है। तो अब इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, नेचर पर हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वी हैव टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। इट बिकम ए मैनेजिकल फंक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और इसमें क्या होता है, फॉलोइंग एक्टिविटी आती है। कौन कौन सी एक्टिविटी सर, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या बात करें सर, अभी आपने उसमें पढ़ाया ना, कहाँ कैरेक्टरिस्टिक में डिवीजन ऑफ वर्क पढ़े, ग्रुपिंग, अरे सर ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटी को, ये भी आपने बता दिया। डिलीगेट अथॉरिटी होती है भाई, अथॉरिटी में डिलीगेट करता है, हायर लेवल जो है सुपीरियर, आई एम सुपीरियर देन लोअर लेवल को मैं अपनी अथॉरिटी देता हूँ, उन्हें कमांड करता हूँ, वही चीज़ तो बोल रहा है। फिर कोऑर्डिनेशन तो आएगा ही, एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल, तो ये तीनों क्या, कोई दिक्कत आई क्या, कुछ याद करने का लग रहा है क्या, नहीं। और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड गो थ्रू लाइफ टाइम, भाई लाइफ टाइम चलेगा,
ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस है, इट बिकम द फंक्शन ऑफ मैनेजर, भाई जान रहे हैं कि मैनेजर का फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ है कुछ नहीं, बस बात बनाई गई है, बस बातें बनाओ, और यही बीकॉम का जो है लक्ष्य है कि बातें बना के आओ, नंबर मिलेंगे, समझ, यहाँ बात ही तो बना रहे हैं। अरे सबको पता है भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, सबको पता है दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, ये तो सबको पता है, एंड गोज थ्रू लाइफ, प्लानिंग भी तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सब में यही चीज़ है भाई, कुछ नहीं, बस बातें बनाई गई है और बात बनाने के नंबर मिल रहे हैं, बस समझ गया ना। अपन का काम है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना, नोट्स वीडियो पॉज करो, लिखो जितना बता रहा हूँ, मोर देन सफिशियंट है, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सर, अच्छा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ये नेटवर्क ऑफ इंटरनल अथॉरिटी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेटवर्क है इंटरनल अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप, अच्छा इज द फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पर्सन ऑपरेटिंग एट वेरियस लेवल टू अकॉम्प्लिश कॉमन ऑब्जेक्टिव। अरे भाई ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रक्चर है किसका सर, ऑथोरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप, ठीक है, इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप ऑफ पर्सन ऑपरेटिंग एट वेरियस लेवल टू अकॉम्प्लिश कॉमन ऑब्जेक्टिव, को अकॉम्प्लिश करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल तैयार करते हैं जो कि अकॉम्प्लिश करेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉमन कम्बिनेशन ऑफ पीपल, सही बात है भाई, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ पीपल है जो फंक्शन करते हैं और फिजिकल फैसिलिटेट, इट कंस्टिट्यूट ए फॉर्मल स्ट्रक्चर विद डिफिनेशन ऑथोरिटी एंड क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ फर्स्ट डिजाइन फॉर डिटरमाइनिंग द चैनल फॉर कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस वी हैव डन, ओके, अच्छा बहुत सारे एनालिसिस बताए, रिलेशनशिप, डिसीजन एंड एक्टिविटी, दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस, तो भाई यहाँ पर आपको रट्टा मारना होगा, ठीक है, मेरा बस इतना, मैं तुम्हें सिंपल इतना बोलूँगा भाई इसको याद करने का, सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे याद करें, मैं देखो इतना बोलूँगा, एज पर माई लैंग्वेज भाई ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेटवर्क है इंटरनल किसका, ऑथोरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड रिलेशनशिप, इतना लिख दोगे, लिख देंगे सर, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, इतना तक आप लिख के आओ, ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अरे भैया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये लिखें कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ पीपल फंक्शन एंड फिजिकल फैसिलिटी, इट कंस्टिट्यूट करता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ ऑथोरिटी और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और इनके जो है मेन इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, और तीनों एनालिसिस को चिपका का नंबर भरपूर मिलेगा, ठीक है, बस इतना ही। नाउ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 13 मिनट लगे हैं मुझे, अच्छे से मैंने समझाया है, इससे बढ़िया कोई नहीं समझेगा, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैं नोट्स अपलोड करूँगा, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और बाकी अप्रिशिएट कीजिए कमेंट में, थैंक यू वेरी मच, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।